अभी देखा है आपने, किस देश में देखा बताइए, कौन से केस में देखा है कि अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए, पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर एफआईआर के, मुझे तो 3 दिन कैद कर लिया था, तो उसको क्यों नहीं कर सकते? और हम उनके पिताजी की बात क्यों माने? सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है पूरे यूपी के इस पूरे प्रकरण में, उनके इस माहौल को देखिए क्या कहेंगे। बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका नोटिस दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलाना अपराधी है फलाना अपराधी, हम कह रहे हैं जो भी अपराधी है जिसको जनता ने देखा है मौजूद उस समय, उसको आप गिरफ्तार करिए, निष्पक्ष जाँच कराइए। अब निष्पक्ष जाँच कैसे होगी अगर राजनीति मोदी जी की कैबिनेट में है वो उनके पिता। हमारा कैमरामैन उस घर पे गया है और मंत्री जी कह रहे हैं मेरा बेटा उस घर में बैठा है, या तो मंत्री जी एक बात गलत है या तो हमारी जो टीम है वो नहीं पा रही उस घर में, क्या कहेंगी मैम? यही कहूंगी कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वो अपने बार बार यही कह रही हूँ, ये मेरी मांग नहीं है, ये जो परिवार है क्या कहते हैं वो मुझे, मैं कल गई परसों भी गई उनके घर, सब ने कहा हमको एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। न्याय का मतलब क्या है? निष्पक्ष जज, अपराधियों की गिरफ्तारी और सज़ा, और मंत्री की बर्खास्त की। क्यों? क्योंकि अगर उस मंत्री के अंडर सारा सिस्टम है तो वो सिस्टम उस मंत्री के बेटे को जांच कैसे करेगा? आज योगी जी मीटिंग कर रहे हैं उन्हीं मंत्री के साथ। आज योगी जी ने कहा कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने झाड़ू लगाने लायक बनाया है, एक निंदीय नजरिए से कहा, मेरे पे नहीं। जो करोड़ों सफाई कर्मचारी हैं, करोड़ों दलित बहन भाई हैं, जो करोड़ों महिलाएं अपने घरों में रोज सुबह झाड़ू लगाती हैं, उनके बारे में कहा है। तो आपने मैम ये पैसे दिया, एक ऐसा नजरिया हमारा मुख्यमंत्री रखता है, कैसी मानसिकता है उनकी? तो इस तरह से मैम आपने इस तरह की बात करते हैं। आपने एक मैसेज दिया मैम उनको कि आप ये काम करके आप दलित बस्ती में आई, बड़ी बात है, तो क्या है कि उनको जवाब था ये मुख्यमंत्री को? देखिए मैं उनको जवाब नहीं दूंगी, जनता उनको जवाब देगी। उन्होंने जनता का अपमान किया है, दलित भाई बहनों का अपमान किया है, सफाई कर्मचारियों का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है। मैं वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू इसलिए लगाने गई ताकि उनको ये मैं उनकी बैठ हो रहा है कि वो समझें कि झाड़ू लगाने में कोई